अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान के करीब आता नजर आ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने गुलाम कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया है। इससे पहले पाकिस्तान को लड़ाकू विमान F-16 के रखरखाव के नाम पर मदद देने की अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठाना लाजमी भी है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के नज़रिए में 360 डिग्री का बदलाव किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। अगर हम कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब तौर से गुजर रहे थे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को दी जाने वाली लाखों डॉलर की मदद पर रोक लगा दी थी। साथ ही कड़े शब्दों में कहा था पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार बन चुका है। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी से नहीं लड़ेगा तब तक उसे अमेरिकी और उनके ओर से कोई मदद नहीं दी जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान का भी चीन के प्रति झुकाव बढ़ गया था। हालांकि जो बाइडेन के सत्ता में आते ही अमेरिका के हालात पाकिस्तान को लेकर अदले बदले से नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने इसी सप्ताह गुलाम कश्मीर की यात्रा की थी। उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को लेकर विवादित बयान दिया था। पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अमेरिका दूत शायद ये बात को भूल गया था। फिर किसी रणनीति के तहत उन्होंने ऐसा किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का पाक प्रेम कोई नया नहीं है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। रिपब्लिकन पार्टी के निशाने पर हमेशा पाकिस्तान बना रहा है, इसलिए जब जब अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की सरकार रही भारत के साथ उसके मधुर संबंध रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रहे दोस्ताना संबंध इसके गवाह रह चुके हैं। अमेरिका कह रहा है कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दे रहा है। अमेरिका के इस दोहरे रवैये से भारत ने हाल ही में पर्दा हटाने का काम किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका किसे बेवकूफ बना रहा है। ये सभी को नजर आता है कि अमेरिका कैसे पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। भारत ने अमेरिका को आईना दिखाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, कैलकॉलिंग नेशनल, न्यू दिल्ली।